तो दोस्तों, अगर आप भी विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, आपका भी ड्रीम है विदेश में नौकरी करना, तो आपका सपना बहुत ही जल्द साकार होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो लाया हूं मैं। और बहुत सारे लोग जो कि ऐसा कि आपसे पैसा मांग लेते हैं, बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि मेरे को इतना पैसा दे दो और मैं तुमको विदेश भिजवा दूंगा, और होता है उनके साथ स्कैम हो जाता है। कई सारे लोगों को तो टूरिस्ट भेजा दे करके और कंट्री में ले जाके और घुमा करके वापस ला दिया जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, इसमें पूरा आपको सच्चाई बताई जाएगी। और इंडियन जो गवर्नमेंट है, NSDC जो वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि रोजगार मेला का आयोजन करवाती है, और ये जितना मतलब कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना DDU GKY जितना चलता है सारा उसी के अंडर में आता है, तो उसके द्वारा आपको भेजा जा रहा है। और एक भी रुपये आपका लगने वाला नहीं है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, एक भी रुपये नहीं लगेगा। केवल आपके पास जो मैं बताऊंगा वीडियो में आगे डॉक्यूमेंट वगैरह वही सब होना चाहिए। तो आप फ्री में जाएंगे विदेश, आपका फ्री में सारा होगा, बस सारा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आप रेडी होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो अभी हमारा लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों को ऑफर आ रहा है मतलब विदेश में नौकरी करने का। तो आ गया हूँ मैं, और इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कि विदेश में आपका नौकरी कैसे लगेगा और बहुत सारा जॉब है और कैसे क्या होगा सारा बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी लास्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था और बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा भी था, तो आ चुका है और बहुत ही बढ़िया वीडियो है, पूरा बताऊँगा। तो वीडियो में एकदम बने रहिए, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था दोस्तों, उसमें हमने आपको बताया था कि विदेश जाने का काफ़ी बढ़िया मौका है और आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। दो तीन पॉइंट बताया था आपको, अगर उसने आपको याद किया होगा, अगर आपने उसे, तो अगर याद नहीं भी किया है तो भी मैं दोबारा से भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दो तीन काम जरूरी करना है। तो सबसे पहले आप एक पेन ले लीजिए, जैसे कि आप देखेंगे तो मेरे पास एक पेन है, आपको भी एक पेन ले लेना है, और जो मैं बात बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि अपना जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे कि इसकी में देखिए, ऐसा एक फाइल होता है जिसमें कि सारा डॉक्यूमेंट होता है, आपका ATM कार्ड से लेकर के बैंक पासबुक, और आपने जितना भी पढ़ाई किया है, इंटर, हाई स्कूल मार्कशीट, जितना मतलब ITI किया है, तो ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो भी किया है, वो सारा इसमें होना चाहिए। और हाँ, एक और बात कि आपका जो फोटो होता है, इसमें मैंने फोटो भी रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये फोटो दिखाई दे रहा है, तो लगभग आपका 20 से अधिक कॉपी फोटो होना चाहिए, मतलब कि फ़ोटो का जो पासपोर्ट साइज होता है उसमें का 20 से अधिक होना चाहिए आपके पास। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट का बात, और तीसरा बात करते हैं, वो है पासपोर्ट का। तो देखिए, पासपोर्ट जो है वो इसमें यहाँ पर है, और ऐसा ही आप भी पासपोर्ट बनवा लेंगे। तो सबसे पहले आप काम ये करेंगे कि आपको पासपोर्ट बनवा के अपना रेडी कर लेना है, सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। और इसके बाद से आपको क्या करना है दोस्तों, कि सबसे पहले मैं जो बताऊँगा उसको केवल फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर सामने ये आ रहा है, ये लोकेशन है और वाराणसी में इंटरव्यू है। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो UP से ही देखते हैं और बिहार साइड से भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि वाराणसी में इंटरव्यू है और 14 तारीख को है, और आज का तारीख है 13, मतलब कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसके एक दिन बाद से इंटरव्यू है। अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और अगर इस समय आप रेडी नहीं है, मतलब कि फ्यूचर में कभी जाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी जॉब आएगा तो मैं वीडियो तुरंत बना करके अपलोड कर दूंगा, और वीडियो बना के जब अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और बहुत सारी वैकेंसी, अभी बहुत सारा ओपनिंग चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों इस वैकेंसी में ये है कि जैसे कि लोग विदेश जाते हैं तो लोगों का पैसा लग जाता है, तो आपका पैसा नहीं लगेगा। तो आइए बताता हूँ पूरा, मतलब यही था, और सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। और इंटरव्यू का जो लोकेशन था वाराणसी में, ये कोई कॉलेज है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल भी कराया जाएगा। और ये कैसे कराया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, सारा ये आप जान गए होंगे, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। तो बस यही था आज का वीडियो, आशा कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।